नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव तैयारी की समीक्षा करने चुनाव आयोग की टीम पहुंची भागलपुर। समीक्षात्मक बैठक में 12 जिलों से पहुंचे आला अधिकारी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करने मंगलवार को अहली सुबह चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार के नेतृत्व में भागलपुर पहुंची। वहीं शहर के एक स्थानीय आयोग में चुनाव आयोग की टीम ने भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया सहित चुनाव को लेकर समीक्षा की। टीम ने इस दौरान 12 जिलों से आए जिलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों से P1, P2, P3, PCPC, सेक्टर जोनल, सुपर जोनल और माइक्रो ऑब्जर्वर के संबंध में जानकारियां ली। यही नहीं, टीम ने संवेदनशील बूथ, लिंगानुपात, चुनाव में परिवहन सेवा, कम्युनिकेशन प्लान, आदर्श आचार संहिता की अनुपालन सहित कई मुख्य बिंदुओं पर अधिकारियों को तैयारी के लिए विशेष रूप से कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं एयरपोर्ट पर प्रातः 9 बजे चुनाव आयोग की टीम को लेकर हेलीकॉप्टर ने लैंड किया। यहीं से टीम सीधे शहर के एक प्रतिष्ठित निजी होटल पहुंची, जबकि होटल में पहले से भागलपुर, बांका समेत 12 जिलों से डीएम और एसपी पहुंच चुके थे। टीम ने बिना देर किए अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी, जबकि मीडिया को अंदर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी थी। वहीं चुनाव आयोग की बैठक में मौजूद एक अधिकारी की माने तो सभी जिले से चुनाव आयोग तैयारी की समीक्षा कर केंद्रीय चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप देंगे, जिसके पश्चात कभी भी आदर्श आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। वहीं चुनाव आयोग की टीम समीक्षा बैठक के उपरांत बिना मीडिया से बात किए ही सीधे रवाना हो गई, जबकि अहले सुबह से ही मीडिया चुनाव आयोग की टीम से बात करने के लिए टकटकी लगाई हुई थी। गाड़ी निकालो ना धीरज भैया। गाड़ी निकाली। पूजा करिए, चलिए देखते हो अगर हो जाए कुछ। तैयारियों को लेकर जो है चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरे भागलपुर मंडल मुंगेर और बेगूसराय रेंज के जिला के पुलिस पदाधिकारी, इसमें एसपी थे और जिला पदाधिकारी, सभी लोगों ने चुनाव आयोग की आई विशेष टीम को अपनी तैयारियों के बारे में बताया। उनके साथ हम लोगों की बहुत विस्तार में चर्चा हुई है और आसन्न जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारियां की हैं, क्या करनी बाकी हैं, इन सभी विषयों पर भी हम लोगों की चर्चा हुई। कोई दिशा निर्देश है? बहुत सारे गाइडलाइंस मिलते रहते हैं, आज भी मिले हैं, हम लोगों ने उसका लोग उसका अनुपालन भी कर रहे हैं। ठीक है।